यूपी के हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल की, जिसमें एक छात्रा को एक दिन का डीएम ही नहीं बनाया बल्कि पूरे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, जिसमें मुख्य रूप से एसपी सीडीओ डीपीआरओ सहित सभी एसडीएम के पद पर भी छात्राओं को बैठाकर काम कराया गया। आपको बता दें कि जिले के जिलाधिकारी ने नायक कलमी स्टाइल में अपनी कुर्सी पर एक दिन का डीएम छात्रा को बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में डीएम साहब ने अपनी कोर्ट में एक आदेश को संस्कृत भाषा में जारी करके सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएम ने छात्राओं को जिले भर के सभी बड़े जिम्मेदार अफसर की कुर्सियों पर स्कूली छात्राओं को बैठा कर नया कारनामा किया है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने वाला है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा था, मुझे बहुत खुशी है। एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है, उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। अभी उनका हम लोग सुझाव भी लेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता लग रही है उसको भी हम लोग अनुपालन करेंगे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चियों के अंदर एक आभास हो कि उनके अंदर बड़ी शक्ति है, वो कुछ कर सकती है।